हेलो गाइस नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल जीवन चली सारिका आई होप एरिया में अभी रेनी सीजन जो है वो आ चुका है राइट right? तो एक बहुत ही यू you नो know, गर्मी के बाद जो है वो हर कोई रेनी सीजन का एंजॉय करता है एंड रेनी सीजन में चाय पकौड़ा एवरी यू नो ये तो बहुत ज्यादा चीजें फेमस होती हैं बट येस गाइज रेनी सीजन अपने आप में मतलब अगर हम सभी सीजन की बात करें समर की बात कर लीजिए स्प्रिंग की बात कर लीजिए विंटर की बात कर लीजिए बट रेनी सीजन जो होता है वो एक हेल्थ के लिए बहुत ही चैलेंजिंग सीजन होता है रेनी सीजन अपने आप में ना बहुत सारी यू you नो know, एक आप ये कह लीजिए कि इस सीजन में जो है वो बैक्टीरिया वायरल बहुत ज्यादा लोगों को इस चीज से जूझना पड़ता है सो so चलिए इसी चीज का सोल्यूशन में आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही देखिए लाइक like, जब हम लोग समर से विंटर में जाते हैं तो हम अपने स्किन केयर हेयर केयर के प्रोडक्ट्स में चेंजेस करते हैं सेम एज हम अपनी सबसे पहले हम अपनी अगर इंटरनल हेल्थ पे वर्क करेंगे ना तभी एक्सटर्नल पे करने का फायदा है सो so, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम अवॉइड आई नो 90 परसेंट लोग इन चीजों को जानते भी होंगे लेकिन एज अ सोशल इन्फ्लुएंस इज माई वर्क कि मैं आपको अगर आप भूल चुके हैं तो आपको रिमाइंड करवा दूं क्योंकि uh, मेरा काम है आपको ये सब चीजें बताना तो मुझे लगा इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं कि कौन कौन से हमें हमारी लाइफ uh, स्टाइल में हमारी डाइट में चेंजेस करने हैं सो दैट की बहुत हैप्पीली हम हमारे रेनी सीजन को स्पेंड कर सकें एंड ऑल्सो देखिए इन चीज़ों की जो शुरुआत होती होती है ना वो होती है ना वो किचन से क्योंकि जो हम हमारी फैमिली को परोसेंगे ना उनकी हेल्थ मतलब मैं ये हूं कि जो भी खाना सर्व करते हैं हमारी फैमिली के लिए हमारे बच्चों के लिए बुजुर्गों के लिए वो टोटली totally उनकी हेल्थ उसके ऊपर देखिए 90 परसेंट हेल्थ उनकी उसके ऊपर बाकी देखिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है डिफरेंट थिंग बट यस खाना अगर हम डाइट अच्छी परोसेंगे ना गाइस तो हमारी फैमिली की 90 परसेंट प्रॉब्लम्स सॉट हो जाती हैं हमारे बच्चों की हेल्थ ठीक रहती है हमारे बुजुर्गों की सो so, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं और जो आपको इंक्लूड करने हैं सो so दैट की रेनी सीजन बहुत अच्छे से जाए रेनी सीजन का मेन यही होता है कि रेनी सीजन में थोड़ा जो बैक्टीरिया होता है आप ये कहिए कि वो बहुत ज्यादा पनपने लगता है तो बैक्टीरिया की वजह से वायरल सर्दी खांसी आ, बुखार का आना या सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है दैट वॉज डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है ये चीज़ बहुत हो जाती है हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ही स्लो डाउन हो जाती है और जब इम्यूनिटी वीक चल रही है स्लो डाउन चल रही है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा खाना होगा उसको हम लाइटन अप करें सो so देखिए सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर आउट करना चाहूँगी दैट इज गाइज मेथी येस मेथी हमारा इंडियन इंडियन स्पाइस है आप अपने खा खाने में जो है वो मेथी का यूज जरूर से करें अपनी स्पाइसेस में एंड ऑल्सो आप क्या कर सकते हैं आप मेथी वाटर ले सकते हैं फैमिली को दे सकते हैं वो आपके जो यू you नो know, जो वायरल इन्फेक्शन है उससे लड़ने की बहुत बहुत ज्यादा कैपेसिटी रखता है इसके लिए मैं कल आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी कि, कि किस तरह से मेथी ड्रिंक को प्रिपेयर करना है और इसके बेनिफिट क्या है फिलहाल के लिए के लिए ये बता दूं कि आप जो भी खाना बना रहे हैं जो वेजिटेबल्स बना रहे हैं उसमें आप जो है वो मेथी दाना का यूज रेनी सीजन में जरूर से कीजिए नेक्स्ट इज गाइज कि आपको जो चीज अवॉइड करनी है दैट इज जो आपके देखिए आप फ्रूट्स लीजिए सीजनल फ्रूट खाइए लाइक अभी बरसात में आपका जामुन आता है मैंगो बट येस जामुन आप अच्छा खा सकते हैं मैंगो की क्वांटिटी आपको कम रखनी है बहुत ज्यादा मैंगो इस सीजन में नहीं लेना है मेलन फूड्स लाइक वाटर हो गया आपका uh, क्योंकि का जो यू नो वाटर कंटेंट होता है ना इसमें वो बहुत ज़्यादा होता है तो डिहाइड्रेशन मतलब अगर आप थोड़ी देर बैठे हैं तो कभी गर्मी फील होगी कभी अगर बारिश स्टार्ट हो गई तो स्वेट you know, uh, आता है हमारी बॉडी uh, जो है वो स्वेट बहुत ज्यादा जिनको कभी नहीं भी स्वेट आता है उनको भी सीजन में स्वेट आता है

चीजें आपका पत्ता गोभी होगी फु, फुल गोभी हो गई ये चीज आपको टोटली मैं कहूंगी ना ही खाइए और अगर खानी है तो आप इसको अच्छे से सोटे कीजिए आप मतलब जैसे क्योंकि देखिए क्या होता है ना बरसात में जो हमारे किचन अगर आपके घर में भी नॉर्मल किचन गार्डन है तो आप नोटिस कीजिएगा बरसात के टाइम पे ये जो लीव वाले जैसे आप पालक को ज्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते हैं या पालक इन इन एरिया मतलब बहुत ज्यादा ये रहता है कि इस सीजन में मतलब कुछ जगहों पे तो मुझे लगता है पालक इस सीजन में मिलता भी नहीं है और अगर मिलता है तो उसमें बैक्टीरिया बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो सकता है और है ठीक है आप एक दिन पालक को फ्रीज करेंगे तो वो खराब ही होने लगता है उसके ऊपर व्हाइट कलर का फंगस आने लगता है सो बेटर इज सिर्फ दो महीने की बात है आप इन दो महीनों में ये वाले वेजिटेबल्स को टोटली totally, मैं तो ये कहूंगी अवॉइड कर दीजिए लीव वाले जो वेजिटेबल्स हैं वो नहीं लें सो नेक्स्ट इज गाइज जो चीज आपको इंक्लूड करनी है दैट इज हर्बल टी यस अभी जो है अपने बच्चों को घर पे अपने बुजुर्गों को आप खुद लीजिए हर्बल टी जरूर से इंक्लूड कीजिए तो है इंक्लूड कीजिए ऑल्सो आप जो है अभी सीजन आ चुका है क्योंकि इस सीजन में आ, मतलब जो क्लाइमेट है वो चेंज हुआ है तो आप सूप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते सूप आर ऑल्सो गुड पार्ट ऑफ क्योंकि वो अच्छे से सो हुआ है उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है ऑल्सो अगर बच्चों को जैसे कफ वगैरह की प्रॉब्लम होती है सो सूप इज़ वन ऑफ़ द बेस्ट ऑप्शन अगर गर्मी में पीना बंद कर दिया था तो अभी थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करना स्टार्ट कर दीजिए हर्बल टी भी लीजिए आप सो नेक्स्ट इज गाइस फर्मेंटेड फूड अगर हम फर्मेंटेड फूड की बात करें तो लाइक जैसे आपका दही होता है दही जो है हमें इस सीज़न में अवॉइड करना चाहिए उसके बैक्टीरिया जो है वो और पनप जाते हैं एक तरह से तो दही को आप अवॉइड करें लेना भी है तो इन ब्रेकफास्ट ले एंड बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में लीजिए दही का जो आ, कुछ लोग ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को ही इवन एक कटोरी डेली दे, दे, के बेसिस पे दही खाने जो कि बहुत अच्छा होता है बट येस इन द रेनी सीजन आप दही को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए क्योंकि वो फॉर्मेंटेड चीजें हैं आ, और इसके अलावा मैं बात करूं तो आपको इस सीजन में स्ट्रीट फूड को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए गाइस क्योंकि एज वी ऑल नो कि यू uh, नो you know, मतलब थोड़ा सा बैक्टीरिया का यार इशू आ जाता है तो सम बेटर इज की इन इन डेज में थोड़ा सा ये वन टू मंथ्स के लिए ना क्योंकि कोई कितना ही मेंटेन कर सकता है तो थोड़ा सा एक दो मंथ के लिए स्ट्रीट फूड या तो लीजिए नहीं ले रहे हैं तो अगेन वेरी लो क्वांटिटी में टर्मरिक मिल्क इज वेरी गुड इन फॉर दिस सीजन आप अपने बच्चे को टर्मरिक दे सक टर्मरिक मिल्क भी दे सकते हैं खुद तो लेना ही है ठीक है तो टर्मरिक मिल्क आपके जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करेगा प्लस उस से लड़ने के लिए भी आपको जो है जो इनफेक्शन जो वायरल हमारे बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में इस टाइम पे आ जाते हैं उनसे फाइट करने में हमारी हेल्प आउट करेगा सो so, टर्मरिक मिल्क इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दीज डेज टर्मरिक मिल्क जरूर से है. सो so, अगर हम हमारे ऑल ओवर खाने की बात करें तो यस yes, खाना हम वैसे ही खाएंगे बट हमें थोड़ा सा राइस को आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि उसमें हाइड्रेशन ज्यादा होता है तो राइस को थोड़ा सा इस सीजन में जो है वो पचने में जो है मतलब डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है सो तो आप चाहें तो आप इस सीजन में ना वट वी कैन डू इज क्योंकि कई लोग कई एरियाज में राइस के बिना लोग रह नहीं सकते तो वट यू हैव टू डू इज अगर आप राइस ले रहे हैं तो आप उसके साथ चपाती ले लीजिए कॉम्बिनेशन में लीजिए राइस को थोड़ा सा इस सीजन में जो है Avoid करें। Next is guys, हमारा seafood, आप देखेंगे आजकल पे पे भी होता है। so, this is the only reason आपको seafood इस uh, totally, मैं तो ये कीजिए नहीं लीजिए अगर किसी से नहीं भी रहा जाता है उनको लेना ही है सो so, अच्छे से उसको कुक दैट यू कैन गो फॉर सी फूड अदरवाइज इफ यू वॉन्ट यू कैन टोटली अवॉइड जस्ट फॉर टू मास्ट बट नॉर्थ दाइज इस सीजन में मैं ये कि फ्राइड चीजों को अवॉइड करें फ्रेश जो जैसे हम, जैसे हम खाना बना लेते हैं है, सबके घरों में बच जाता है बट ये जो एक दो सीजन होते हैं ना इसमें थोड़ा सा आप जो खाना फ्रीज, फ्रीज करते हैं उस खाने को अवॉइड कीजिए ट्राई टू गो फॉर द फ्रेश फूड ओनली एंड ऑल्सो जो ऑयल है देखिए वट आई कैन डू इज इस सीजन में अगर आप पीनट ऑयल यूज करते हैं मस्टर्ड ऑयल भी लिटल बिट हैवी होता है तो उसका मस्टर्ड ऑयल बट येस हमारा

तब तक के लिए टेक केयर बाय